अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम झारखंड की जनता है, आशा करते हैं जितना वादा किए हैं पूरा भी करेंगे हम उनके साथ। जैसा इनका जो प्लान है उस हिसाब से तो देश काफी आगे तक जाएगा, देश का विदेश में भी हमारा अच्छा नाम हो रहा है। सरकार नहीं आएगा, मोदी सरकार के अलावा दूसरा सरकार जीत पे नहीं करेगा। जीतेगा ही, हाँ जीतेगा, पूरा जीतेगा। सरकार थी उसका कोई वैसा काम दिखता नहीं था, उनका काम दिखता, उनका काम दिखता। 2024 में इससे और अच्छा परिणाम आएगा, जो कि यहाँ काम बोलता है। आज खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग आधे घंटे का संबोधन दिया और उसके बाद अब जनसभा खत्म हो चुकी है और लाखों की भीड़ यहाँ पहुंची थी। लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मोदी के भाषण से उनकी उम्मीदें हैं और कितना उनको लगता है कि ये उम्मीद जो है आगे जाकर साकार हो पाएगा। क्या देखिए, कई सारे नौजवान भी हैं, वो भी निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से बाबू तुम लोग? तोरपा से। तोरपा से, तोरपा कॉलेज से। तो, मोदी जी को सुनने आए थे जी। तो कितना उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीद तो अभी तो नहीं बता सकते हैं। कैसा काम करते हैं मोदी जी? अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम झारखंड की जनता है, आशा करते हैं जितना वादा किए हैं पूरा भी करेंगे हम उनके साथ हैं। वादा पूरा करेंगे तो उनके साथ? हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं है, आप क्या बोलेंगे? आप तो ये वादा पूरा करेंगे तो एकदम हम लोग उनके साथ में हैं। हाँ, अब तक का काम उनका कैसा लगता है? बहुत अच्छा ही था, बहुत अच्छा काम किए, वो बहुत आगे तक जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं होंगी उनसे। देखिए लोग हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तपकरा। तपकरा, मोदी जी का भाषण सुनने आए थे, क्या कुछ बोले मोदी जी? कुछ है याद? नहीं। उम्मीद है मोदी जी से कि अच्छा काम करेंगे? और हाँ, उम्मीद तो लग रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं। ठीक है, कहाँ से हैं आप? हम खूंटी लोकल हैं। खूंटी लोकल हैं, तो आज आपके जिले में प्रधानमंत्री पहुँचे, उलिहातू गए, कितना उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? इनसे तो काफ़ी उम्मीद है। हाँ, जो कह रहे हैं सो कर रहे हैं। जो कह रहे हैं सो कर रहे हैं। हाँ, आगे भी जैसा इनका जो प्लान है उस हिसाब से तो देश काफ़ी आगे तक जाएगा, देश का विदेश में भी हमारा अच्छा नाम हो रहा है, देश भारत को गौरवान्वित। हाँ, गौरवान्वित महसूस हर जगह, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। तो जनजातियों के लिए आज बहुत बड़ी योजना का शुरुआत हुआ। आज बहुत बड़ी योजना का मतलब यहाँ पे जो मोदी जी के द्वारा बहुत सा जैसे नया नया प्लान के बारे में जो शुरुआत भी किया गया। अब तक का उनका कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 2024 के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं? बस एकदम जिताएंगे, उसका जिताएंगे, पूरा है। सरकार नहीं हटेगी, उसका सरकार नहीं हटेगी, दूसरा सरकार नहीं आएगा, मोदी सरकार के अलावा दूसरा सरकार जीत पे नहीं करेगा। जीतेगा ही, हाँ जीतेगा, पूरा जीतेगा। उनका सारा काम सही लगा? पूरा सही है, पूरा जो भी काम कर रहे थे उसका काम सही है ही है। और जितना भी बोले अभी ना सब सच्चाई है। क्या बोल रहे हैं? जिस काम भी मोदी जी ने किए हैं वो पूरा जमीन में गिरा हुआ है। इससे पहले सरकार थी उसका कोई वैसा काम दिखता नहीं था, उनका काम दिखता है, उनका काम दिखता है। मोदी जी जब आधे घंटे लगभग मन से संबोधन किए हैं, महिलाओं के लिए बोले 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाले हैं, उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, क्योंकि हम लोग जैसलपीएस वाले कैडर दीदी लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग तो इसका फायदा के बारे में जानते हैं कि किस तरह से लखपति दीदी बनाएंगे, इसीलिए हम लोग को तो जो बोले भाषण में वो सही है। हेलो, वो लखपति दीदी लोग बनेंगे, उसके लिए बहुत सारा स्कीम निकाला जा रहा है लखपति बनाने के लिए। अब तक का काम प्रधानमंत्री मोदी के तौर पे कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, देखे फेस टू फेस, देखे भी बात में भाषण सुने, तो उनका तो जी भी जितना भी भाषण सुने बहुत अच्छा लगा, और जो भी बोले सब वो अच्छे मन से बोले, और जो भी काम के लिए योजना का ये प्रसार किए वो हमको 100% सही लगा, सत्य लगा। आपको कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी से? पूरा उम्मीद है। सर बोलवा दिए ना इनसे? पूरा काम करवा करते हैं, जैसे हम लोग का गैस नहीं था तो गैस सिलेंडर दिलाए, शौचालय नहीं था शौचालय मिला, इंदिरा आवास नहीं था तो वो भी अब कल परसों अब बन ही जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को किसान है, हम लोग किसान में भी जो हम लोग अभी बोले तो वो हर हम लोग का आता है, हम लोग का खाता में पैसा आता है, तो जो चीज़ भी बोले सब सत्य है और सब चीज़ पूरा भी होता है हम लोग का। क्या लगता है यहाँ से जो मंच से जनजातियों के लिए जो योजना बनी है वो आगे चलकर पूरा हो पाएगा, जनजातियों का विकास हो पाएगा? देखिए, जनजातियों का विकास आरंभ हो चुका है, जो 2014 से ही प्रारंभ है। जैसे हमारे सामने एकलव्य मॉडल का स्कूल, साथ में जनजातियों को कई मायनों से जोड़ा जाना, कृषि के क्षेत्र में,
तकनीशियन के क्षेत्र में। और आज गौरव की बात है हम जनजातियों के लिए कि हमारे इसी संसदीय क्षेत्र से माननीय अर्जुन मुंडा जी केंद्र को नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे गौरव की बात है तो दिशा हमारा देश का बदलाव तभी हो गया जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी और इसी जनजाति की महिला बनी। 2024 के लिए क्या सोचते हैं जो आने वाले चुनाव हैं? 2024 पे इससे और अच्छा परिणाम आएगा क्योंकि यहाँ काम बोलता है। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।